हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय ऑनलाइन वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। सो मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो लास्ट टॉपिक था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस टॉपिक में हमने देखा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट्स क्या होते हैं, उन पर फंक्शन की किस तरीके से हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। ये दोनों चीजें मैंने आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा के। तो इस पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे लोकल मैक्सिमम पॉइंट लोकल मिनिमम पॉइंट निकाला जाता है वो हमने सीखा था। सो आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ इसकी कुछ ज्योमेट्रिकल आप इन द सेंस मेंसुरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती है, वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती है, जिसमें हमें अगेन स्फीयर, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, कोन, इन सब के वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज पता होने चाहिए, है ना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी आती है, लेकिन पहले हम इसकी नॉर्मल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे मैक्सिमा मिनिमा की। सो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हमारा। सो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अच्छा, मैंने आपको बताया था अमंगस्ट ऑल दी लोकल मैक्सिमाज एंड लोकल मिनिमाज, है ना, सारे लोकल मैक्सिमाज में जिस पॉइंट पर, जो सारे मैक्सिमाज में जो सबसे बड़ा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाता है। अगेन मैंने आपको बताया था कि किसी फंक्शन में एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमा पॉइंट्स भी हो सकते हैं और एक से कम लोकल मिनिमा पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो जितने भी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट्स हमें किसी फंक्शन में मिलेंगे उनमें जो सबसे बड़ा होगा, है ना, अमंगस्ट ऑल दी लोकल मैक्सिमाज उनमें जो सबसे बड़ा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा या एब्सोल्यूट लोकल मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा, और उस पॉइंट पे हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, है ना, अमंगस्ट ऑल दी लोकल मैक्सिमाज। इसी तरीके से सारे लोकल मिनिमाज में जो सबसे छोटा मिनिमा वाला पॉइंट होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाएगा। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं आज का। सो द क्वेश्चन इज, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवेल माइनस टू से लेकर 9/2, है ना। हाँ अच्छा, अब यहां पर एक हमें पूछा है इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और साथ ही साथ हमें इंटरवल भी दे रखा है, क्लोज इंटरवल मतलब माइनस टू भी शामिल होगा, 9/2 भी शामिल होगा, है ना। तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हम निकालेंगे साथ साथ हमें इन दोनों की, क्योंकि ये वैल्यू क्लोज है तो हमें ये शामिल करनी पड़ेगी। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी हमें इस फंक्शन की। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो हम इसका एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। सो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस हाफ इंटू 2x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x का डेरिवेटिव 4 हो जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस x आया, है ना। ओके अब हम निकालते हैं इसका क्रिटिकल पॉइंट। तो एफ डैश एक्स को मैं 0 के इक्वेट करूंगा, दैट मीन्स 4 माइनस x शुड बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4। तो अब आपके पास दो तरीके हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव से भी आप इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं और सेकंड डेरिवेटिव से भी बता सकते हैं। तो देखिए तुरंत मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल देता हूं। सो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आया मेरा 4 माइनस एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा माइनस 1, है ना। और माइनस 1 क्या है, माइनस 1 एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। सो एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया था अगर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव होता है तो वो मैक्सिमा अटेंड करता है ना, तो अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो मैक्सिमा अटेंड करेगा। तो एक्स इज इक्वल टू 4 पे हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, है ना, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मिल गया डायरेक्टली यहाँ पर। सो एक्स इज इक्वल टू 4 क्या कहलाएगा मेरा, एक्स इज इक्वल टू 4 कहलाएगा मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी इस पॉइंट पे मुझे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सो अब देखते हैं, तो x इज इक्वल टू 4, है ना, तो
एक्स इज इक्वल्स टू 4 अगर मैं यहाँ डालूंगा तो एफ फोर मुझे क्या मिलेगा? एफ फोर मुझे मिलेगा 4 × 4 माइनस 1 × 4 का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, देखो एफ फोर, सो ये हो जाएगा 16 माइनस हाफ इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 2 = 8, सो एफ ऑफ फोर मेरा आया 8, ठीक है। ठीक है, तो फंक्शन की 4 पे वैल्यू मुझे क्या मिली? 8 मिली। देखिए मैं वापस बता देता हूँ, एफ डैश एक्स निकाला हमने, 4x, 4 - x आया, एफ डैश एक्स को मैं 0 के इक्वेट करूंगा तो एक्स इज इक्वल टू 4 आएगा। तुरंत मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाला इस फंक्शन का, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आया? -1। एक्स इज इक्वल टू 4 पे भी ये क्या रहेगा? -1 ही तो रहेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट नंबर है। तो डबल डैश एक्स एफ डैश एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 4 अगर मैं यहाँ डालूंगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट नंबर है तो ये चेंज होगा ही नहीं, -1 तो -1 ही रहेगा। सो इससे मुझे ये समझ में आ गया कि -1 है तो ये नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या अटेंड करेगा? वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना। सो एफ ऑफ 4 पे हमें वैल्यू मिली फंक्शन की 8। इसी तरीके से ये इंटरवल भी दे रखा है क्लोज, है ना। तो जब भी हमें क्लोज इंटरवल गिवन होगा तो हमें ये वैल्यू भी शामिल करके देखनी होगी। तो देखो एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 8 आया। अब मैं एफ ऑफ -2 निकालता हूँ, ये देखो -2। तो जब मैं -2 लगाऊंगा तो यहाँ पे देखिए 4 × -2 कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा, -1/2 × -2 का स्क्वायर 4 होगा। सो एफ ऑफ -2 मेरा आ जाएगा -8 - 2, दैट इज -10, ठीक है। एफ ऑफ -2 मेरा क्या आ जाएगा? -2 - 10, सॉरी। तो फंक्शन की 4 पे वैल्यू कितनी आई? 8 आई। -2 पे कितनी आई? 10 आई। अब मैं ये 9/2 पे भी निकालता हूँ, सो एफ ऑफ 9/2, तो 9/2 पर डालिए यहाँ पर, तो 4 × 9/2 माइनस हाफ इंटू 9/2 का स्क्वायर, दैट इज 81/4, ठीक है। इस तरीके से आ जाए। सो इसकी कैलकुलेशन कर देंगे तो 4 से 2 ये 2 बार, तो यहाँ 18 आ जाएगा, माइनस 81/8 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। सो 18 से 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 144, है ना। 18 8 जा 144, 144 - 81/8, ठीक है, इतना हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका 63/8, 63/8 हो गया हमारा क्या? 9/2 पे फंक्शन का वैल्यू। देखिए ये देख लीजिए आप, सो 8, 63/8 एंड -10, इन सब में सबसे बड़ा कौन है? देखो एक क्रिटिकल पॉइंट पे हमने निकाला, ये 4 पे वैल्यू 8 आया, -2 पर आया -10, और 9/2 पे आया 63/8। तो ये भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना, मतलब ये भी अच्छा। इस पे इन सब में सबसे बड़ी कौन है? 8 बड़ा है कि 63/8 बड़ा है? बड़ा है 8। तो 4 क्या कहलाएगा आपका? 4 कहलाएगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और उस पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई फंक्शन की? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई 8, है ना, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? -10, ठीक है। तो इस तरीके से है ना, ये वैल्यू 63/8 आई हमें 9/2 पे मिला, लेकिन सबसे इन दोनों में बड़ा कौन है? 8 बड़ा है ना, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, हमें दोनों निकालनी है। फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25 ऑन द इंटरवल, ऑन द क्लोज इंटरवल गिवन है यहाँ पर आपको, यानी 0 और 3 को भी शामिल किया है। तो 0 और 3 पे भी आपको इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, और फिर देखना है भाई जो सबसे बड़ी होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहलाएगी, सबसे छोटी वाली एब्सोल्यूट मिनिमम कहलाएगी, है ना। तो प्रोसीजर क्या है भाई? फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं सबसे पहले इसका। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई? 3x⁴ का हो जाएगा 12x³ माइनस इसका हो जाएगा 24x²
इसका हो जाएगा 36x, इसका होगा -48, है ना। सो ये एफ डैश एक्स आ गया हमारे पास। ओके अब ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो मैं इसमें देख सकता हूँ कि यहां से 12 कॉमन है, तो मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 4, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है ना। एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 4, ये हुआ मेरा एफ डैश। डैश एक्स आ गया मेरा, यहाँ से 12 कॉमन आ गया, एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 12x, अच्छा ये यहाँ पर सॉरी, यहाँ 36 नहीं आएगा, यहाँ 24 आएगा, यहाँ 24 आएगा है ना। 12x² का डिफरेंट, 12x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 24x, माइनस 48x का होगा -48 एंड 25 का होगा 0। सो यहाँ पर 2x आएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2x, ठीक है, इस तरीके से। तो एफ डैश एक्स मेरा आया 12 कॉमन लेने के बाद, एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4। अब एफ डैश एक्स को 0 के इक्वेट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। सो 12 तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना, इसको 0 कर देंगे। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन रूट्स कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको क्लास 11th में बताया था, लेकिन यहां पर है ना डायरेक्ट काम हो रहा है। देखो इन दोनों में मैं कॉमन लूंगा एक्स क्यूब, इसको मैं फैक्टराइज कर देता हूँ बेसिकली, है ना। एक्स क्यूब माइनस 2x² में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखा जा सकता है एक्स माइनस 2, प्लस 2x माइनस 4 में 2 कॉमन है, तो इसको भी ऐसे एक्स माइनस 2 लिखो लिखा जा सकता है। अब इसको है ना फैक्टराइज करके मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, है ना, सबसे पहले हमने एफ डैश एक्स निकाला, 3x⁴ का डिफरेंशिएशन ये होता है, 8x³ का ये होगा, 12x² का 24x होगा, -48x का -48 होगा, फिर 12 इन सब में कॉमन है तो ये आ जाएगा इस तरीके से, है ना। फिर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करना होता है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 होना चाहिए। अब ये एक्सप्रेशन 0 करने के लिए मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, क्योंकि ये हो रहा है इजिली, है ना। वैसे क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल से पहले एक रूट निकालते हैं, फिर उस रूट को, क्योंकि वो रूट है तो वो फैक्टर होगा, फिर उसका भाग लगा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, फिर उससे क्वाड्रेटिक मिलती है और उसको स्प्लिट करके दो रूट निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली काम हो रहा है, फैक्टराइज होके काम हो गया है यहाँ पे, इन दोनों में कॉमन है एक्स स्क्वायर, सो इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स माइनस 2 प्लस 2 कॉमन एक्स माइनस 2, तो फैक्टराइज करके हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, या तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 0 होगा या फिर एक्स माइनस 2 0 होगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 जो कि इम्पॉसिबल है, किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो खारिज कर दिया हमने ना, ये कैंसिल, सो एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हमें क्या देगा, एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट, है ना। सो एक्स इज इक्वल टू 2 मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया मेरे पास। अब देखिए अब मैं निकाल देता हूँ एफ डबल डैश एक्स, बेसिकली हम सेकेंड डेरिवेटिव से ही सब वैल्यूज निकाल रहे हैं ना, क्योंकि कन्वीनियंट रहता है सेकेंड डेरिवेटिव से। तो एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, ये रहा मेरा एफ डैश एक्स, तो यहीं से मैं एफ डबल डैश एक्स निकाल देता हूँ, 12 तो यहाँ कॉमन ही है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, 3x² हो जाएगा, माइनस 2x² का क्या होगा, माइनस 4x होगा, और प्लस 2x का हो जाएगा प्लस 2, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, माइनस 4 का 0 होगा। सो ये मेरा एफ डबल डैश एक्स आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एफ डबल डैश एक्स का साइन चेक, अगर क्रिटिकल पॉइंट डालने पर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आ जाता है तो वो क्रिटिकल पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर क्रिटिकल पॉइंट डालने पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू 2, और ये इंटरवल जो दे रखा है ये शामिल की हुई वैल्यू, तो 0 पे भी निकालना है और 3 पे भी निकालना है ना। सो चालू करते हैं, सबसे पहले पहले तो हमें ना इसका देख लेते हैं कि कौन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, कौन पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। सो अब 2 डाल के देखते हैं सबसे पहले, तो 12 एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, है ना, एक्स इज इक्वल टू 2 हम इसका साइन चेक करने वाले हैं, तो 2 डाल के देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 2, है ना, 12 माइनस 8
12 माइनस 8 कितना हो गया आपका, 4 हो गया, और 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 × 12 72 जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो x इज इक्वल्स टू 2 पे डबल डेरिवेटिव क्या आया, पॉजिटिव हो गया, है ना। तो 2 क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा, है ना। x 2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। 2 क्या कहलाएगा हमारा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा, क्योंकि 2 डालने पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आई। वापस देख सकते हैं हम, जैसे ही हम यहाँ पे डबल डेरिवेटिव में 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12, 4 2 जा 8, 12 माइनस 8 इज 4, 4 प्लस 2 इज 6, 6 12 जा 72 विच इज अ पॉजिटिव नंबर। तो x इज इक्वल टू 2 पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो यानी 2 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। अब हम 0 डालते हैं, जैसे 2 डाला, अब 0 डाल के देखेंगे, है ना, क्योंकि इंटरवल है, इसकी भी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो x इज इक्वल टू 0 पे बताइए अब क्या हो जाएगा, तो 0 पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पे, तो देखिए 12, ये 0, सिर्फ 2 बचेगा, 12 प्लस 2 इज 24, है ना, 24 आया यहाँ पर, और 24 अगेन एक पॉजिटिव नंबर है, तो x इज इक्वल टू 0, 0 भी क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, 0 भी क्या होगा हमारा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ठीक है। अब 3 डालते हैं, 3 डालने पे क्या आएगा, सो 3 डालने पर 3 का स्क्वायर 9, है ना, 9 3 जा 27 और 3 4 जा 12, 27 माइनस 12 पॉजिटिव नंबर, प्लस 2 पॉजिटिव इनटू, है ना, तो 3 पर भी पॉजिटिव है ना, 3 पर भी इसका क्या हो गया, पॉजिटिव साइन हो गया, तो 3 भी पॉजिटिव है, तो 3 भी हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ठीक है, ये हो गया। आप देख सकते हैं, मैं वापस बता दूंगा आपको, डबल डेरिवेटिव हमने निकाला, अब क्रिटिकल पॉइंट डालने के बाद हमें डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करना होता है। तो कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं भाई हमारे को, सिंगल डेरिवेटिव को 0 इक्वेट करके तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला जो कि था x इज इक्वल टू 2, और बाकी ये जो क्लोज इंटरवल है तो हमें ये वैल्यू भी शामिल करनी पड़ेगी। तो 0 पे भी हमने इसका साइन चेक किया डबल डेरिवेटिव का, और 3 पर भी चेक किया, तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहे हैं, तो वो तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएंगे, है ना। तो इन तीनों मिनिमाज में अब हमें ये देखना है कि सबसे कम, क्योंकि अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो मिल ही नहीं सकती हमें ना, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया ही नहीं हमारे पास, है ना, कोई भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं है, तीनों क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, है ना। अब इन तीनों पे, 2 पर, 0 पे और 3 पर आपको इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है ना, एफ 2 निकालना है, एफ 0 निकालना है, एफ 3 निकालना है ना, जो सबसे छोटा होगा, क्योंकि ये तो तीनों ही मिनिमाज है, तो इन तीनों में जो फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो कहलाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, है ना। सो अब हम इस पे तीनों पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 2, 0 और 3 पे अब हमें फंक्शन की वैल्यू देखनी है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले 0 देख लेते हैं, वो सबसे आसान है, 0 डालते ही ये 0 हो जाएगा, 0 0 0 सब 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, 25। तो फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी है, 25। अब फंक्शन की 2 पर वैल्यू देखते हैं, एफ 2, फंक्शन की 2 पर वैल्यू कितनी आएगी, 2 की पावर 4 यानी 16, 16 3 जा 48 माइनस 2 का क्यूब 8, 8 8 जा 64 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 12 4 जा 48 माइनस 48 2 जा 96 प्लस 25, है ना, 2 पर ये हो गया। सो 48 प्लस 48 96 से 96 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 64 प्लस 25 इज इक्वल्स टू माइनस 39 आएगा, है ना। तो 2 पर माइनस 39 आई, और अब देखते हैं 3 पर, है ना, 3 पर F3, सो 3 की पावर 4, 3 9 27 81 81 81 इंटू 3 243 माइनस 3 का क्यूब 27 27 इंटू 8 216, हाँ 27 8 जा 216, यस। फिर 3 का स्क्वायर 9, 12 9 जा 108 माइनस 48 3 जा 144
ठीक है, 48 इंटू 3 कितना होगा हमारा, 144 हो जाएगा, प्लस 25 ऐसा हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी भाई, इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी 108 प्लस 25 इज 100 एंड कितना हो जाएगा ये, 110 और 133 है ना, 133 ये हो जाएगा प्लस 243, 243 में 133 जोड़ेंगे, 243 प्लस 133 ओके इज इक्वल्स टू 673, 376 और माइनस 216 माइनस 114, सो ये हो जाएगा माइनस 360 है ना, सो 376 माइनस 360 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा है ना। तो 376 माइनस 360 इज 16, ठीक है। सो F3 फंक्शन की 3 पर वैल्यू आ गई 16 है ना, फंक्शन की 0 पर वैल्यू है 25, 25 फंक्शन की 2 पर वैल्यू है माइनस 39, F2 है माइनस 39 और 3 पर वैल्यू है 16। बिल्कुल सबसे ज्यादा वैल्यू किस पे आई हमारे को, 0 पे मिली। फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू किस किस इंटरवल में, इस पर्टिकुलर इंटरवल में, इस इंटरवल में है ना, 0 से लेकर 3 के बीच में। तो 0 से लेकर 3 के बीच में कौन सा नंबर है, मतलब कौन है जिस पे हमें फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू मिली, इस इंटरवल में हमें फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू मिली 25 है ना, और इस इंटरवल में फंक्शन की सबसे कम वैल्यू मिली मुझे 2 पर जो कि है -39। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 25, मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, -39 इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल है ना। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन गिवन है एक्स प्लस साइन 2x है ना, और एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 2π है ना, मतलब 0 पे भी बतानी होगी, 2π पे भी बतानी होगी, क्लोज इंटरवल है, और वही मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज है ना, ये हमें इस फंक्शन की बतानी है। तो प्रोसीजर क्या है भाई, एफ डैश एक्स वही निकालते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, साइन 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू कॉस 2x हो जाएगा ना, 2 इंटू कॉस 2x हो जाएगा ओके। अब एफ डैश एक्स को 0 के इक्वेट करके, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं है ना। तो यहां पर अब आपका ट्रिग्नोमेट्री का खेल आएगा थोड़ा सा, तो वो आपको आना चाहिए। सो 1 प्लस 2 कॉस 2x शुड बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स कॉस 2x शुड बी इक्वल टू माइनस हाफ है ना। कॉस 2x को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, माइनस हाफ इधर लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस 2x इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस हाफ, कॉस की कौन सी वैल्यू होती है भाई, हाफ होती है 60 डिग्री कॉस है ना, सो हाफ को लिख सकता हूँ माइनस कॉस पाई बाई थ्री है ना। अब माइनस कॉस थीटा, इसको ये क्या है भाई, माइनस कॉस थीटा ही है ना, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा आपको 0 से लेके 2π के बीच में कब कब मिलता है, एक तो ऐसे मिल जाता है कॉस 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है ये भी माइनस कॉस थीटा होता है, या फिर कॉस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव होता है ना। सो माइनस कॉस थीटा क्या होगा, कॉस 180 प्लस थीटा भी होगा और कॉस 180 माइनस थीटा भी होगा। सो माइनस कॉस पाई बाई थ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस पाई प्लस पाई बाई थ्री भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव होता है, ये सब मैंने आपको क्लास 11th में भी बताया था कैसे करते हैं हम, और ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th अभी प्रिंसिपल वैल्यूज जनरल सॉल्यूशन ये सब आपने पढ़ा होगा, तो उसमें ये सब आपको समझ में इजिली आ गया होगा कि हाँ इसी तरीके से इसको हम ब्रेक करते हैं, है ना। सो कॉस 2x, कॉस 2x इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा आपका कॉस, या तो हो जाएगा 4π बाय 3 या फिर कॉस 2π बाय 3 है ना, ये दोनों कॉस 2x, ठीक है। सो कॉस 2x या तो कॉस 4π बाय 3 या फिर कॉस 2π बाय 3,
सो यहां से अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ, तो 2x इज इक्वल्स टू या तो 4π/3 होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, x की वैल्यू हो जाएगी π/2π/3 है ना। देखिए 2x इज इक्वल्स टू 4π/3, 2 से ये कैंसिल होगा, 2π/3 आ जाएगा, और यहां से है ना, यहां से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से आ जाएगी π/3। ठीक है, तो x क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गए मेरे पास, π/3 आ गया और 2π/3 आ गया, ये हो गए मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स, चेक कर लीजिए आप, है ना। देख लीजिए इसको वापस ध्यान से कैसे मैंने निकाला है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करना है मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो कॉस 2x शुड बी इक्वल टू -2, -2 का मतलब है -cos π/3, इसको कॉस के जैसे ही बनाना है क्योंकि यहाँ कॉस लिखा हुआ है। फिर मैंने अपने आपसे सवाल किया कि भाई -cos θ 0 से लेके 2π के बीच में कब कब होता है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कॉस 180 माइनस और कॉस 180 प्लस मैंने इसको लिख दिया है ना। सो इस तरीके से मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए π/3, π/3 का मतलब होगा 60 और 2π/3 का मतलब होगा 120 है ना। तो ये तो मुझे मिल गया क्रिटिकल पॉइंट्स। अब आते हैं डबल डेरिवेटिव है ना। सो डबल डेरिवेटिव अब निकालते हैं एफ डबल डैश एक्स। सो एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या था, ये था ना। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है भाई। सो वन का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और कॉस 2x का डिफरेंशिएशन -2 sin 2x, सो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा -4 sin 2x है ना। ये हो गया मेरा एफ डबल डैश एक्स, चेक कर लीजिए बहुत आसान है ना। एफ इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने तो क्या आया -4 sin 2x। अब मुझे इस एफ डबल डैश एक्स का साइन चेक करना है ये क्रिटिकल पॉइंट डालने पर। सो मुझे ये बताओ एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू जब मैं पाई बाई थ्री डालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, -4 sin 2 π/3। अब देखो ये हो गया sin 2π/3, दैट मीन्स sin 120 डिग्री, और sin 120 डिग्री बस इतना बताइए कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ऑफकोर्स सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो sin 120 विल बी पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय -4 इज नेगेटिव है ना। सो π/3 डालने पर ये क्रिटिकल डालने पर डबल डेरिवेटिव क्या हो गया, नेगेटिव हो गया भाई है ना, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। सो π/3 क्या कहलाएगा मेरा, π/3 मेरा कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना, π/3 मेरा कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, क्योंकि π/3 डालने पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है। अब डालो 2π/3, सो यहां लिख देता हूं एफ ऑफ 2π/3 जब मैं डालूंगा डबल डेरिवेटिव में 2π/3, सो 2 into 2π/3 दैट मीन्स 2 into 120, तो 2 into 120 इज 240। अब साइन 240 का मतलब क्या है, साइन 240 का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, और जब नेगेटिव नंबर -4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। सो एफ डबल डैश मतलब डबल डेरिवेटिव एट 2π/3 क्या मिला मेरे को, पॉजिटिव मिला। सो 2π/3 पर मुझे क्या मिलेगा, 2π/3 होगा मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना, 2π/3 होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, 2π/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, π/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, देख सकते हैं हम यहाँ रीजन आपके सामने है ना। सो क्रिटिकल पॉइंट्स जो कि अब मेरे को मिले हैं π/3, 2π/3 और ये क्लोज इंटरवल में 0 और 2π, इन सब पे अब हमें फंक्शन में इसकी वैल्यू डालनी है और चेक करना है जो सबसे बड़ी होगी और जो सबसे छोटी होगी वो इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज होगी है ना। सो अब चेक करते हैं। सो देखिए सबसे पहले 0 पे निकालते हैं, एफ 0 निकालते हैं, एफ 0 दैट मीन्स एक्स 0 और साइन 2 into 0 0, 0 प्लस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो एफ 0 मतलब 0 ही आ गया। और अब निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है भाई, π/3 and 2π/3, अब निकालते हैं एफ π/3, फंक्शन की π/3 पर वैल्यू निकालते हैं। सो π/3 का मतलब एक्स का मतलब π/3 प्लस साइन 2 into π/3, सो साइन 2 into π/3 इज sin 2π/3, साइन 2π/3 का मतलब कितना हो गया 120 डिग्री, 120 को मैं लिख सकता हूँ 180 - 60, दैट इज साइन 60, और साइन 60 कितना होता है, √3/2 है ना। सो एफ ऑफ π/3 पर मुझे π/3 प्लस √3/2 वैल्यू मिली। अब निकालते हैं 2π/3 पर,
टू पाई बाय थ्री पर ये क्या हो जाएगा, एक्स हो गया 2π/3 और प्लस साइन 2 × 2π/3। 2π/3 का मतलब होता है 120, 120 × 2 = 240 एंड साइन 240 की वैल्यू मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, दैट कैन बी रिटर्न एज साइन 180 + 60 विच इज -sin 60 एंड -sin 60 इज -√3/2। सो 2π/3 -√3/2 है ना, -√3/2 ये हुआ एफ ऑफ 2π/3। और अब किस पे निकालना है, 2π पर है ना। सो एफ ऑफ 2π, सो 2π पे एक्स की वैल्यू में 2π डालूंगा तो ये 2π हो जाएगा और साइन 2 × 2π, साइन एन पाए है ना, एन पाए इज 0, तो 2π + 0 = 2π। तो ये सब वैल्यूज आई हमें है ना, 0 π/3 √3/2, 2π/3 -√3/2 एंड 2π है ना। अब हमें ये बताना है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है ना। तो कैलकुलेशन से आप देख सकते हैं, और पाई पाई इज नियरली इक्वल्स टू 3.14। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और हमको बस यही चेक करना है कि इन सब की कैलकुलेशन में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे मैक्सिमम कहलाएगा, जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमम वैल्यू कहलाएगा इस फंक्शन का है ना। आप चाहो तो पाई का वैल्यू 3.14 डालकर ये पूरा एक्सप्रेशन चेक कर सकते हैं और आपको इजीली पता चल जाएगा मैक्सिमम एंड मिनिमम है ना। ये तो मैंने सब वैल्यूज निकाल दी, अब बस कैलकुलेशन का पार्ट है वो आई होप आप कर सकते हैं है ना। सो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है ना, फाइंड फाइंड टू नंबर्स, फाइंड टू नंबर्स सच दैट देयर सम इज 24 एंड द प्रोडक्ट इज, एंड द प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। ना सो क्वेश्चन समझने वाला ही है ना, सीधा नहीं है क्वेश्चन कि हाँ भाई मैक्सिमम फंक्शन दे दिया, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। अभी है ना मतलब कहानी के तौर पर आपके सामने पेश किया गया है ये क्वेश्चन कि हमें बताना है कि आपको वो दो नंबर ढूंढने हैं जिनको जोड़ने पर आए 24, और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आना चाहिए है ना। अफकोर्स वो दोनों नंबर जो होंगे 24 को वो पॉजिटिव होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। तो दो नंबर जिनको जोड़ने पर 24 आए और उनका प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें, मैक्सिमम चाहिए, ज्यादा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट। तो देखो दो 24 से दो नंबर जैसे ऐसे भी मान सकते हैं 10 14 है ना, 11 13 8 16, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है ना 24 बनाने के लिए। अभी हमें पता नहीं है ना कौन से वो दो नंबर है। सो अब देखते हैं, मान लेते हैं वो दो नंबर ना, लेट दोज नंबर्स बी एक्स एंड वाई। मान लिया जाए वो दो नंबर्स हैं एक्स एंड वाई जिनको जोड़ने पर 24 आ रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलते हैं अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देयर सम इज 24 है ना। सो मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24 है ना, मैंने वो दो नंबर एक्स वाई माने तो उनको जोड़ने पर 24 आया है ना। एंड देयर प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल है ना। प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट, चलो पी से स्पेलिंग शुरू होती है ना प्रोडक्ट की, तो पी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई ऐसे लिख सकता हूं मैं ना। प्रोडक्ट मतलब दो नंबरों का प्रोडक्ट, मैंने ऐसे लिख दिया पी कैपिटल पी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। सो पी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो मतलब एक्स इंटू वाई की जगह मैं 24 - x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ है ना। देखिए अगर एक्स प्लस वाई 24 है तो मैं लिख सकता हूँ ना वाई इज इक्वल टू 24 - x। तो मेरे को प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए, मतलब प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या है भाई, दो नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब उन दो नंबर्स का एक्स इंटू वाई प्रोडक्ट हो जाएगा। सो प्रोडक्ट विल बी एक्स इंटू वाई, तो पी इज इक्वल टू एक्स इंटू 24 - x। तो प्रोडक्ट हो गया मेरा 24x - x2। अब यहां पर इस लाइन पे ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट इज एज, लार्ज मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। अब यार कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम चीज अगर हमें निकालनी है किसी भी फंक्शन की या किसी भी चीज की, अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो यार मैक्सिमम मिनिमम में तो हमने वही पढ़ा है, कैसे निकालूंगा मैं। अभी देखो प्रोडक्ट
किसका फंक्शन बना दिया मैंने, पूरा एक्स का बना दिया ना, ये इसीलिए लिखा मैंने, एक्स इंटू वाई को मैंने लिख दिया एक्स के टर्म्स में, तो ये प्रोडक्ट किसका हो गया, प्रोडक्ट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स हो गया अलोन। सो किसी भी पॉइंट, किसी भी फंक्शन का मुझे मैक्सिमम मिनिमम यानी लार्ज या स्मॉल बताना है तो उसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। तो डीपी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं अब। सो डीपी बाई डी एक्स हो जाएगा 24 माइनस 2x, ठीक है, 24 माइनस 2x। तो यहां से मैं क्रिटिकल पॉइंट निकाल लूंगा तो 24 माइनस 2x 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 12 आ जाएगा ना। देख लीजिए आप, x इज इक्वल टू क्या आया मेरे पास, 12 आ गया, इसको 0 के इक्वेट करेंगे, ये f डैश x हो गया है ना, p डैश x हो गया, ये क्या हो गया, ये p डैश x हो गया, तो x का वैल्यू 12 हो गया है ना, ये मतलब इसको मैं p डैश x भी लिख सकता हूँ। अब p डबल डैश x भी देख लो आप फटाफट, सो इसका डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा मेरा, -2 आ गया है ना, 24 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2 हो गया। -2 क्या हो गया, एक नेगेटिव नंबर, और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया तो यानी x इज इक्वल टू 12 क्या कहलाएगा, x इज इक्वल टू 12 हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसी पे मिलेगा हमें, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया अब हमारा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव ही आ रहा है हमें, 12 पे भी तो ये -2 ही रहेगा है ना, तो 12 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। तो अब देखिए x बराबर 12 आ गया, तो x का वैल्यू 12 आ गया हमारे पास, तो y का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 24 माइनस 12, दैट इज 12। यानी वो जो दो नंबर्स हैं, अब सुनो ध्यान से, वो जो दो नंबर्स हैं जिनको जोड़ने पर 24 आए, देखो जोड़ने पर 24 आए, जोड़ने पर 24 तो बहुत नंबर आते हैं, देखो 15 और 9 भी 24 होता है, होता है कि नहीं होता है ना, इसी तरीके से 16 प्लस 8 भी 24 होता है, ठीक है, 11 प्लस 13 भी 24 होता है, ठीक है, 10 प्लस 14 भी 24 होता है, ठीक है, इसी तरीके से अगेन 5 प्लस 19 है ना, बहुत सारे नंबर होते हैं 24, तो मतलब हम बना सकते हैं केसेस, लेकिन हमने ये बोला है कि वो दो नंबर क्या हैं जिनको, जिनका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हो। तो देखो आप है ना, 12 और 12 वो दो नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 144 आएगा है ना, जो कि सबसे ज्यादा होगा आप है ना, 144 प्रोडक्ट आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, यानी 24 के दो टुकड़े करने पर उन दो उनका प्रोडक्ट आपको ज्यादा से ज्यादा मिले, तो यानी वो 12 12 ही होंगे है ना। अगर आप 11 13 लेते हो तो देखो 11 इंटू 13 कितना होता है, 143, जो कि 144 से तो कम ही है। अगर आप 10 और 14 बोलोगे तो 140 आएगा, जो अगेन 144, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किससे मिलेगा हमें, जब x 12 हो और y भी 12 हो है ना। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा है ना, और भी आप बहुत तरीके से 8 16 लोगे है ना, 8 और अगर 16 लोगे तो 16 8 जा कितना होगा भाई, 128 होगा है ना, 144 से तो छोटे ही मिलेंगे सब आप है ना, यानी 144 प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा, और वो तब होगा जब x 12 हो एंड y भी 12 हो, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन हमारा, अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसी पैटर्न पर। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी हद तक लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, तो यहाँ पे भी बोला है फाइंड टू नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस y इज इक्वल टू 60 एंड x इंटू y क्यूब इज मैक्सिमम। हमें वो दो पॉजिटिव नंबर्स है ना, फाइंड टू ऑफ कोर्स पॉजिटिव, दोनों x पॉजिटिव होने चाहिए, x एंड y, सो हमें वो दो पॉजिटिव नंबर्स निकालने हैं जिनको जोड़ने पर 60 आ जाए, और जब पहले नंबर को दूसरे नंबर के क्यूब से मल्टीप्लाई करूं तो वो मैक्सिमम आए है ना। सो ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मुझे ये दे रखा है x प्लस y इज इक्वल टू 60, तो मैं यहां से लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 60 माइनस x। अब ये देखो x इंटू वाई क्यूब एक प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ p इज इक्वल टू x इंटू वाई क्यूब, p इज इक्वल टू क्या लिख देता हूँ, x इंटू वाई क्यूब। सो अब मैं लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू x इंटू 60 माइनस x का क्यूब है ना, क्योंकि अब ये पूरा एक्सप्रेशन x के टर्म्स में आ गया है, तो डिफरेंशिएट करने में बहुत आसानी होगा। अब p इज अ फंक्शन ऑफ x बन गया है ना, p इज अ फंक्शन ऑफ x बन गया, मतलब px बन गया है ना। सो
आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी गोइंग है। पी इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 60 माइनस एक्स का क्यूब। अब मैं डीपी बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ। डीपी बाई डी एक्स जो कि कैसे मिलेगा मुझे, प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा। तो पहले एक्स को बाहर करूंगा, 60 माइनस एक्स का क्यूब का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, 3 इंटू 60 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 60 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1, है ना। ध्यान बिल्कुल है ना, चूकना नहीं है यहाँ पे, कंपोजिट फंक्शन है। और प्लस अब की बार 60 माइनस एक्स क्यूब को बाहर करूंगा तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, है ना। सो मेरा अब देखिए डीपी बाय डीएक्स जो हुआ उसको मैं लिख सकता हूं 60 माइनस एक्स का क्यूब माइनस 3x इंटू 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ओके। सो अब मैं dp by dx को जीरो के इक्वेट कर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालूंगा। सो 60 माइनस एक्स का क्यूब माइनस 3x इंटू 60 माइनस एक्स का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो। मैं यहां से देख सकता हूँ 60 माइनस एक्स क्यूब में और 60 माइनस एक्स स्क्वायर में 60 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन है। तो एक ब्रैकेट लगाऊंगा, यहां से बचेगा 60 माइनस एक्स, यहां से बचेगा माइनस 3x, ब्रैकेट क्लोज, है ना, इज इक्वल टू जीरो। सो ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो गया 60 माइनस 4x शुड बी इक्वल टू जीरो, है ना। तो या तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जीरो होगा, है ना, या फिर 60 माइनस 4x जीरो होगा। ये चीज जीरो कब होगी, जब x की वैल्यू 60 होगी, है ना। 60 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो कब होगा, जब x इज इक्वल टू 60 होगा। और 60 माइनस 4x जीरो कब होगा, जब x इज इक्वल टू 15 होगा, है ना। अब 60 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू 60 हो गई, और अगर x की वैल्यू 60 हो गई तो y जीरो हो जाएगा, है ना। तो यानी प्रोडक्ट तो फिर क्या मिलेगा हमें, जीरो। तो यानी ये तो असंभव है, ये तो कैंसिल कर देंगे हम कि भैया x इज इक्वल टू 60 तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें दो पॉजिटिव नंबर बताने हैं, और दो पॉजिटिव नंबर बताने हैं। तो अगर एक 60 हो गया तो 60 में क्या जोड़ूंगा कि 60, तो y को जीरो होना पड़ेगा, तो मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो आ जाएगा फिर। तो यानी x इज इक्वल टू 60 तो हमने खारिज कर दिया, ये नहीं हो सकता भैया, ना। तो x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 होगा भाई, है ना, x इज इक्वल टू 15। सो आई थिंक अब आधा पार्ट तो आई गया। जब x अगर 15 आएगा तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 16 माइनस 15, दैट इज 45। और प्रोडक्ट मैक्सिमम क्या हो जाएगा हमारा, 15 इंटू 45 का क्यूब, है ना, उस तरीके से वो मैक्सिमम आ जाएगा। सो यही हो गया, x इज इक्वल टू 15 आया। वो दो नंबर्स क्या हो गए, वो दो नंबर्स क्या हुए जिनको जोड़ने पर 60 आएगा, और x इंटू वाई क्यूब करूंगा तो मैक्सिमम आएगा। तो x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, और अगर x 15 है तो y कितना हो जाएगा, है ना। अगर x 15 है तो यहाँ डाल दूंगा मैं 15, तो 60 माइनस 15 इज 45, है ना। तो देखो और आसान हो गया ये, तो हमें डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इट इज क्वाइट ऑब्वियस, क्रिटिकल पॉइंट से हमें x मिल गया है। तो अगर x मिल गया है तो y, तो y के लिए तो क्या है, x x की वैल्यू डालो, y आपको इजीली मिल जाएगा, 60 माइनस x, 60 माइनस 15 दैट इज 45। तो वो दो नंबर्स जिनको जोड़ने पर 60 आए, और जब x इंटू वाई क्यूब करें तो मैक्सिमम आए, तो वो होगा 15 इंटू 15 एंड 45, है ना। यानी 15 एंड 45 का जो क्यूब करोगे आप, 15 इंटू 45 का क्यूब, तो वो आपको बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, है ना। बाकी आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, आप 20 इंटू 40 का क्यूब करोगे, है ना, या 10 इंटू 50 का क्यूब करो, है ना, या 5 इंटू 55 का क्यूब करो, इन सब की वैल्यूज इससे क्या मिलेंगी, छोटी ही मिलेंगी आप, है ना। सो ये क्वेश्चन भी हमने अभी क्लियर किया है, खत्म किया है ना, कैसे हमने इस प्रोडक्ट को मैक्सिमम बताया, है ना। आपको बेसिकली क्या करना है, जब भी ये नंबर वाला क्वेश्चन आए ना x और y, तो आपको उस पूरे क्वेश्चन को x के फॉर्म में बदल देना है, ताकि आपको ऑफ कोर्स वो x का फंक्शन बन जाएगा, और फिर हमको डेरिवेटिव करने में, उसका डिफरेंशिएशन निकालने में इजी रहेगा, है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने में इजी रहेगा। अभी यहाँ x इंटू वाई क्यूब, तो ये पूरे दो फंक्शन दो वेरिएबल में घूम जाता है ना, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए y इज इक्वल टू 60 माइनस x, ताकि हमने इसको पूरे को x का फंक्शन बना दिया, और फिर डेरिवेटिव इसका निकाला, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, वहां से हमें x की वैल्यू मिली, और अगर x मिल गया तो y भी मिल गया, है ना। सो ये क्वेश्चन भी हमने खत्म किया। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम, है ना, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम जो होते हैं, जैसे सिलेंडर, हेमिस्फेयर, कोन, क्यूब,
है ना, स्क्वेयर्स, तो इन सबसे रिलेटेड मैक्सिमा मिनिमा पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, वो प्रॉब्लम्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से डायरेक्टली 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेते हैं उस टॉपिक से। तो नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जब होगा, तो वो होगा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा, बेसिकली मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे ही कहानी के तौर पर क्वेश्चन पेश आपको किया जाएगा, डायरेक्ट नहीं देंगे कि हाँ भाई फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन गिवन बाय दिस, नहीं। अब वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सो अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स पर ज्यादा ध्यान देंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो आई होप आज के लेक्चर में आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट हो अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, या लेक्चर का कोई पॉइंट आप मिस कर गए हो, या उसको समझने में दिक्कत आ रही है आपको, तो आप मुझे व्हाट्सएप मेरे नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं क्वेश्चन का, आपकी क्वेरी, आपको लेक्चर में कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो वो भी मुझे बता सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होगी, और आप साथ ही साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करते रहिए, है ना। बार बार मैं आपको ये चीज बोलता रहता हूँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ज्यादा क्लियर होगा टॉपिक। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, सो बाय बाय।